गाइस वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एक 30 वोल्ट एंड 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई की किट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से 30 वोल्ट एंड 3 एम्पीयर का पावर सप्लाई बना सकते हो, वो भी घर पे बैठ के। क्योंकि गाइस अगर देखा जाए कि अगर आप मार्केट में कोई भी दुकान में जाके परचेस करोगे एक 30 वोल्ट एंड 3 एम्पीयर का पावर सप्लाई, तो आपको मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपया देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो किट है आपके सामने, ये जो दिख रहा होगा किट, इस किट के जरिए आप घर पे बैठे बैठे आप बहुत ही मतलब 1000 के अंदर आप 30 वोल्ट एंड 3 एम्पीयर का पावर सप्लाई बना सकते हो। तो गाइस चले इसके अंदर क्या है देख लेता है, और देखने से पहले इसके अंदर क्या है दिखाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग के रिलेटेड सारे कुछ वीडियो मेरे चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस किट के अंदर और इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिला है। सो गाइस ये रहा 30 वोल्ट एंड 3 एम्पीयर का पावर सप्लाई किट। अगर आप इस पावर सप्लाई किट को लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम इसको खोल के देखेंगे कि हमारा जो किट के साथ जो कंपोनेंट्स है वो सही सलामत आया है कि नहीं, या कुछ डैमेज हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा काउंटिंग करके देखेंगे। तो चलिए इसको हम निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलने के सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पाउच के साथ यहाँ पे दिया गया है, 3 पाउच अलग से और 1 पाउच के अंदर हमारा जो मेन पीसीबी है वो रखा गया है। तो पीसीबी की क्वालिटी की बात करें तो गाइस ये ए क्लास कैटेगरीज का पीसीबी है, क्योंकि पीसीबी का जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, और इसका ए क्लास का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका टूटने के कोई चांसेस नहीं है, और इसका जो ट्रैक है ये उखड़ने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो पैसिव कंपोनेंट है वो सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। कैपेसिटर है, जो मेन कैपेसिटर है जो कि एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो मेन कैपेसिटर होता है वो यहाँ पे दिया गया है, 3300 माइक्रोफैरड एंड 50 वोल्ट का है ये कैपेसिटर। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे प्रीसेट भी दिया गया है, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर, जिसके ज़रिए आप वोल्टेज और करंट को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यानी कि मान लीजिए आपको 30 वोल्ट के जगह आपको 20 वोल्ट चाहिए तो वो भी आप एडजस्ट करके इसको कमा घटा बढ़ा सकते हो। और उसके साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ हमें यहाँ पे मिला है, जो कि आप देख सकते हो एक वाइट कलर का हमें रजिस्टर भी मिला है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप जो रजिस्टर है ये 5 वाट एंड 0.7 ओम का है। तो ये गाइस बेसिकली यूज़ किया जाता है जब एम्पियर के साथ कोई भी हम वेरिएशन करेंगे, और उससे उस टाइम पे इस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ साथ हमें और भी देख सकते हो यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे दिया गया है इस अलग पाउच के जरिए, और कुछ कनेक्टर्स भी दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग 3 ICs भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि सारे के सारे काम आता है वोल्टेज को, पावर वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए ये सारे पावर ट्रांजिस्टर है। और उसके साथ साथ हीट सिंक भी हमारे को दिया गया है, और उसके अलावा जेनर डायोड एंड रजिस्टर भी अलग पाउच से दिया गया है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो हम पीसीबी के ऊपर सारे कुछ लिखा है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रिप्लेस करना है और आपका सोल्डरिंग करना है। तो गाइस मैं आपको इसके ऊपर, क्योंकि अगर अभी बिठाने जाओ एक एक कंपोनेंट तो बहुत ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा हूँ कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो कि आपको कल मिलेंगे। तो आप गलती मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा हो उसको प्रेस करके, और उसके बाद आपको ये जो सर्किट है मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि इस तरह के सर्किट किस तरह से बनाया जाता है, और किस तरह से बना के आप PCB.com या JLC PCB इस तरह की PCB से आप इसको प्रिंट करवा के आप मंगा सकते हो। तो बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पर आपको A to Z सारे डिटेल में बताया जाएगा कि PCB को किस तरह से डिज़ाइन और इसको बनाया जाता है।